नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हर्षित डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जब भी आपके एनिमल में कोई घाव हो जाता है या कट जाता है, कई बार क्या होता है कि थनों में उनके बछड़े ही काट देते हैं, तो उनके दांतों से दांत के गड़ जाने से घाव बन जाता है, या कई बार कहीं लकड़ी लग जाने से, या कई बार क्या होता है कि दीवारों पर भैंसिया जो है रगड़ खुजला लेती है अपने आप को, तो घाव बन जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो घाव पर मक्खियाँ बैठ जाती है, जिससे वो घाव और ज़्यादा यानी प्रॉब्लम कर देता है। तो उसके लिए मैं दोस्तों एक स्प्रे आता है, आप देख सकते हैं, टोपी केयर प्लस प्लस, ये स्प्रे आता है दोस्तों। ये स्प्रे फॉर्म में होता है, देख सकते हो आप ऐसे। तो स्प्रे को अगर आप लगाते हो तो उस घाव पे जो है मक्खी जू चीचड़ वो नहीं बैठते, और घाव सूखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर घाव सूखेगा नहीं तो वहाँ पर फिर वो कीड़े हो जाते हैं, तो इसलिए कीटाणु हो जाते हैं। तो इसलिए आप उस स्थिति में जो टोपी केयर नाम का ये स्प्रे आता है, इसको यूज़ करें। इससे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और घाव को सुखाता भी जल्दी है, और मक्खी मच्छर जो भी बैठते हैं उसके ऊपर वो बैठने से रोकता है। तो दोस्तों, इसको गाय भैंस या आप जो भी एनिमल में प्रयोग करना चाहते हैं आप उपयोग कर सकते हैं। किसी भी तरीके का घाव, कटा पीटा घिसा हुआ, या कई बार कुछ थन में गांठ हो जाती है, गांठ फूट जाती है, उसके बाद भी घाव बन जाता है, तो उस स्थिति में भी आप टोपी केयर प्लस का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका प्राइस जो है मात्र 160 रुपये है, प्राइस 160 रुपये है, और इसका जो पैक है वो 60 ml का, 100 ml का है दोस्तों, 100 ml का पैक आता है। तो ये अगर ये अपने फार्म पर रखना ही चाहिए, बहुत ही अच्छा है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे जो भैंस का एक थन खराब हुआ था एक साइड का, जिससे दूध नहीं आ रहा था, तो आधा कट ही गया था, फिर उसमें हमने टाके लगवाए, टाके लगाने के बाद हमने रेगुलरली टोपी क्योर का यूज़ किया, तो उससे वो घाव भी ठीक हो गया, और वो नर जो आधा थन आधा कट गया था उसके टाके लगने के बाद वो ज्वाइंट भी भर गया, और उसमें जो है पहले कीटाणु हो गए थे, तो इसको लगाने के बाद वो कीटाणु भी ख़त्म हो गए और थन भी सुधर गया। तो दोस्तों, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, मैं अपनी जो मेरा अनुभव उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि घाव के लिए सिखाने के लिए अगर मक्खी बैठ रही तो उस स्थिति में आप टोपी केयर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।